नमस्कार। अभी तक तो दुनिया भर में कोरोना वायरस का ही खौफ चल रहा था, लेकिन अभी इसी बीच एक और वायरस के संक्रमण का मामला सामने आया है। जी हाँ, इसका नाम है हंटा वायरस। अमेरिका के सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक हंटा के इन्फेक्शन का पता लगने में अभी 1 से 8 हफ्तों का वक्त लग सकता है। इस हंटा वायरस में भी तेज बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, पेट में दर्द, उल्टी, डायरिया और जैसे लक्षण नजर आ सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट है कि कोरोना इंसान से इंसान में, जबकि हंटा वायरस चूहे के मल मूत्र के जरिए फैलता है। हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस का विस्तार भी चीन से ही हुआ था और इस हंटा वायरस का विस्तार भी चीन से ही सामने आया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट करके बताया था कि यूनान स्टेट में हंटा वायरस की वजह से एक शख्स की मौत का मामला सामने आया। इस शख्स ने सोमवार को शैकडोंग से यूनान की यात्रा की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हंटा वायरस से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए हैं। जानिए ये क्या है। सबसे पहले कि हंटा वायरस क्या है और ये कैसे फैलता है, तो हम आपको बता दें कि यह ऐसे समूह का वायरस है जो चीजों को कुतरने वाले जानवरों यानी कि चूहे और गिलहरी से फैलता है। अमेरिका में इस वायरस को न्यू वर्ल्ड हंटा वायरस के नाम से जाना जाता है। अगर वायरस का वाहक जैसे चूहा अगर किसी इंसान को काट लेता है तो हंटा वायरस का मामला सामने आ जाता है। अगर किसी जगह पर चूहे का मल मूत्र या लार जैसी चीज़ों के संपर्क में कोई इंसान आता है तो उसमें भी हंटा वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। या अगर कोई इंसान ऐसी चीज़ खाता है जिस पर चूहे का मल मूत्र या लार मौजूद होता है तो उस पर भी हंटा वायरस का अटैक हो सकता है। सोशल मीडिया पर कई जानकार लोगों का कहना है कि चीन के लोगों की खाने पीने की आदतें जब तक नहीं सुधरेंगी तब तक इस तरीके की जानलेवा बीमारियां और वायरस लोगों की जान से बड़े पैमाने पर खिलवाड़ करती रहेंगी। मामला यह भी सामने आया कि चीन में बहुतायत लोग ऐसे हैं जो चूहे का मांस अलग अलग तरीके से खाते हैं और उस मांस में मौजूद मल मूत्र या लार की वजह से इस हंटा वायरस का प्रसार होने लगा है। अब इस महामारी से कैसे निपटा जाए यह भी वैज्ञानिकों के लिए और अलग अलग देशों की सरकारों के लिए एक चुनौती बना हुआ है, क्योंकि अब तक कोरोना वायरस से निपटने के ही बिल्कुल पूर्ण रूप से संतुलित और नियमित कोई इलाज है न तरीका है और न अब तक इसका कोई ठोस इजाद हो चुका है। अब इसके बाद जिस तरीके से हंटा वायरस सामने आया है यह भी एक जानलेवा वायरस है। यह पूरी मानव जाति के लिए खतरनाक है।